अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे। कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? हैं हमारे रोज़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जा रहे हैं। और आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ रेसिपीज़। उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में जो है अपने लास्ट वीडियो का जो कॉन्टेस्ट था मैंने जिसमें कहा था आपको गिव अवेज मिलेंगे उसके जो है विनर्स भी अनाउंस करूँगी। आई हैव द विनर्स, विनर्स जिनको मैं अनाउंस करूँगी। आपने क्या करना है, आपने वीडियो देखने के बाद मुझे फ़ौरन से जाना है इंस्टाग्राम पर और मुझे अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिटेल सारी जो है ई मेल वो टेक्स्ट कर देनी है, इनबॉक्स कर देनी है ताकि मैं आपके जो पैकेजेस हैं वो डिस्पैच करा सकूं। उसके अलावा नेक्स्ट कॉन्टेस्ट जो है ऑन एंड ऑफ अब मैं ये कॉन्टेस्ट करती रहूँगी। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अपने चैनल पे ना कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रही हूँ डेली की व्लॉग्स में। मैं अब जो है आपसे ब्यूटी हैक, स्किन केयर और ड्रेसिंग से रिलेटेड कपड़े कैसे आप कैरी कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें भी मैं अपने चैनल पे जो है स्टार्ट करने वाली हूँ आज से। और सबसे पहले मैं इस बार आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कुछ स्किन केयर रूटीन की बेसिक्स। आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे DIY स्किन केयर, डेली रूटीन, उसके अलावा खाना बनाना, रेसिपीज़, कुकिंग हैक्स, कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और टोटके, ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत सारी हेल्पफुल हो सकती हैं किचन के कामों में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी लास्ट वीक से स्टार्ट किया है दैट इज़ गिव अवेज। मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं परमानेंट और जो मुझे फॉलो करेंगे और जो मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन में मेरे साथ रहेंगे उनके लिए बहुत सारे गिव अवेज आ रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी। सो स्टे ट्यून्ड। अपने चैनल पे ना कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रही हूँ डेली की व्लॉग्स में। मैं अब जो है आपसे ब्यूटी हैक, स्किन केयर और ड्रेसिंग से रिलेटेड कपड़े कैसे आप कैरी कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें भी मैं अपने चैनल पे जो है स्टार्ट करने वाली हूँ आज से। और सबसे पहले मैं इस बार आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कुछ स्किन केयर रूटीन की बेसिक्स। आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे DIY स्किन केयर, डेली रूटीन, उसके अलावा खाना बनाना, रेसिपीज़, कुकिंग हैक्स, कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और टोटके, ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत सारी हेल्पफुल हो सकती हैं किचन के कामों में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी लास्ट वीक से स्टार्ट किया है दैट इज़ गिव अवेज। मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं परमानेंट और जो मुझे फॉलो करेंगे और जो मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन में मेरे साथ रहेंगे उनके लिए बहुत सारे गिव अवेज आ रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी। सो स्टे ट्यून्ड। तो यह है सैटरडे का वीलॉग जो जिसमें जो है मुझे कुछ बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था, दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था कि आज मैं इफ्तारी में क्या बनाऊं, क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट चॉइस है। फिर आपको जो है हर बंदे को खुश करने के लिए उनकी पसंद की चीज़ें बनानी थी। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया कि कुछ एक डिश मैंने अपनी पसंद की बनाई, एक अरजान की, एक अनाया की, एक उमैर की। सो हम भी खुश, सब घर वाले भी खुश। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रिपरेशन कर रही हूँ फ्रूट चाट की। फ्रूट चाट बनाने के लिए मैं जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनको लिए उनको कट कर रही हूँ। इस तरह से एक ही शेप में कोशिश किया करें, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं उसमें एक ही शेप में कट करें क्योंकि वो खूबसूरत नज़र आते हैं। फिर फ्रूट्स कट करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें एंड में डेट्स डाल रही हूँ, फिग भी डाल रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी एक पैकेट जूस का, मैंगो जूस लिया है यहाँ पे मैंने, थोड़ा सा टैंग डालूंगी, ब्लैक पेपर डालूंगी, चाट मसाला डालूंगी और थोड़ी सी एक चम्मच के करीब चीनी, दैट्स इट। और इसको मिक्स करके मैं फ्रिज में चिल होने रख दूंगी, ठंडा ठंडा होने रखूँगी। एंड में मैंने क्या किया था, इसमें किशमिश और बादाम लेके उनको हल्का सा हाफ टी स्पून बटर में जो है हल्का सा सौते कर लिया था ताकि वो थोड़े से क्रंची हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं और फिर ऊपर से वो मैं डाल दूंगी। और मैंने इस दिन अपने नेबर्स में भी इफ्तारी भेजनी थी तो मैंने हर चीज़ की क्वान्टिटी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बनाई थी। फ्रूट चाट यहाँ पे तैयार हो गई थी। उसके बाद अरजान मुझे काफ़ी दिन से डिमांड कर रहा था कि मुझे जो है ना क्रिस्पी चिकन है जो फिलेज हैं वो बना दें, जो पार्मेसन के साथ नॉर्मली सर्व होते हैं बट अरजान को इसी तरह से ही पसंद है, वो चिकन जो है क्रिस्पी चिकन ऐसे ही खा लेता है विदाउट पास्ता यानी थिंक। मैंने पास्ता बनाया था बट पास्ता में मैंने आज मैक्रोनी बनाई थी क्योंकि मेरा बहुत दिन से जो है ना कोई चाउमिन या पास्ता इसके तरह की चीज़ खाने का, वाइट सॉस पास्ता खाने का नहीं, जो नॉर्मल मैक्रोनी होती है हमारे स्पेसिफिक गोप खाने का दिल करता है। अगर मैं इसके साथ पास्ता बना लेती तो वो फिर डबल हो जाती थी और वो फिर जो होता है ना ये कि बच जाता है सब बहुत सारा खाना और फिर नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे फिर वो कंज्यूम नहीं होता, सबके रोज़े हैं तो वो वेस्ट होता है। इंस्टेंट के मैं जो हूँ वाइट सॉस पास्ता भी इसके साथ प्रिपेयर करूँ क्योंकि अरजान को एज इट इज़ ये क्रिस्पी चिकन पसंद है तो मैं इसको एज इट इज़ बना के वो दे दूँगी। तो उसके लिए सबसे मैंने क्या पहले क्या किया, ये जो मोटे वाले थोड़े से जो है ना ब्रेड क्रम्स होते हैं मैंने वो लिए हैं। ब्रेड क्रम्स में मैं यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, थोड़ी से इसमें क्रश चिली ऐड किया हाफ टी स्पून के करीब, उसके अलावा इसमें मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है 1 टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया 1 टी स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट जो है 1 टीस्पून ऐड किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अनियन पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, उसके अलावा इसमें जाएंगे हर्ब्स, मिक्स हर्ब दे सकते हैं या आप ओरिगानो, दोनों में से जो भी चीज़ अवेलेबल है आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं या दोनों भी हाफ हाफ टी स्पून यूज़ कर सकते हैं। अगर एक यूज़ कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून आपने यूज़ करनी है।
इन तमाम चीज़ों को सिंपली जो है आपने ब्रेड क्रम्स में डालना है, ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह मिक्स करना है और आपने जो चिकन फिले लिया है उस पर कोट कर लेना है। पहले चिकन फिले को आपने एग योक में डिप करना है, एग योक्स ले लें, एग वाइट्स या पूरा एग ले लें, डिपेंड ऑन यू। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो प्रेफर करें कि सिर्फ एग वाइट का मिक्सचर हो। मैं अभी बच्चों के लिए स्पेसिफिक नहीं बनाई थी तो उस मैंने पूरा एग लिया है। यहाँ पर 2 एग लेके उनको सिंपली बीट कर लिया। पहले मैं एग्स जो ब्रेस्ट फिले है उसको एग्स में डिप करूँगी जो बीटर मैंने बीट करके रखे हुए हैं। उसके बाद मैं इस पर जस्ट कोट कर लूँगी। अच्छी तरह आपने कोट करना है प्रेस कर करके कि ताकि जो इसमें प्रॉपरली जो है ब्रेड क्रम्स वो कोट हो जाए। और जो ब्रेड क्रम्स मैंने आपको दिखाए हैं ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आई थिंक अल्फा पे भी अवेलेबल है। मैंने सेफ मार्ट पे जो नॉर्मल स्टोर्स हैं बड़े बड़े मार्ट्स हैं उन सब पे रखे हुए हैं, तो आपको ये मार्केट में कहीं से भी मिल जाएंगे। अदरवाइज आप जो सिंपली जो है घर में ब्रेड आता है उसको निकालें, उसको थोड़ा सा जो है ड्राई होने दें और मोटे मोटे उसके क्रम्स बना लें, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इन चिकन ब्रेस्ट फिलेस को आप इस तरह से बना के जो है कोट करके फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब आपने बनाने हो इसको निकाल के आप सैंडविच बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं, चिकन रैप्स बना सकते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ मैं बना के अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ क्योंकि अजान की मेरी समटाइम्स उसका दिल करता है, मेजोरिटी टाइम डिमांड होती है अनाया की अजान की। मैं भी इवन अपने लिए कभी डाइट सैंडविच बना तो मैं इसको हल्के से ऑयल में सौते करती हूँ और दैट सेट मैं इसके फिर जो है कोई सैंडविच बना लेती हूँ, कोई रैप बना लेती हूँ डिफरेंट सॉसेस लगा के। सो इस तरह से ये रेडी टू ईट रेड और 15 मिनट्स वाला जो है मील मेरे फ्रिज में हर वक्त रेडी रहता है। इसके बाद जो है यहाँ मैं आ गई थी रूम में क्योंकि ये सैटरडे का दिन था और सब घर पे थे तो लेट उठे थे, तो मैंने रूम नहीं समेटा था क्योंकि जब मैं किचन में गई हूँ तो मैं वहाँ स्लीपिंग जब उठे हैं तो फिर मैं इधर अपना रूम संभालने आ गई हूँ। फटाफट से मैं घर संभालूंगी, साफ़ सुथरा होगा घर, क्योंकि जब तक घर सुकून ना हो घर साफ़ ना हो तो सुकून आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। सो नीट एंड टाइडी होम इक्वल टू सुकून डॉट कॉम। फाइनली जो है गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, वेदर में काफ़ी ट्विस्ट आ चुका है। लास्ट वीक तक काफ़ी ठंड थी लेकिन एकदम से जो है वेदर चेंज हुआ है और अब दिन में काफ़ी टेम्परेचर जो है गर्म है, मुझ जैसे लोगों को अभी भी ठंड लगती है। एनीवेज तो मैंने जो है ना नीचे का आज ब्लैंकेट उठा दिया था, उसको वॉश करूँगी और फिर मैं उसको जो है ना ऊपर स्टोर में रखवा दूँगी। पहले भी मैंने वॉश किया था उठाने के लिए लेकिन फिर सर्दियाँ दोबारा आ गई तो वो मैंने दोबारा यूज़ हो गया, तो मैं उसको एक दफ़ा फिर वॉश करके है फिर पैक करके ऊपर स्टोर में रखवा दूँगी। यहाँ मेरा रूम सेट हो गया था, बाकी घर की भी क्लीनिंग चल रही थी, सब कुछ हो गया था और इसके बाद मैंने फैशन हो कोई कपड़े शपड़े चेंज किए और शाम में इफ्तारी की जो तैयारी की वो आप अभी देखेंगे। उससे पहले स्किन केयर के कुछ पार्ट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। बेसिक स्किन केयर पे, बेसिक स्किन केयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो, आप में से टीन एज लड़की हो, एजड हो, 40 ईयर्स प्लस हो, मतलब कोई भी किसी भी एज ग्रुप से आपका ताल्लुक़ हो, आपको स्किन केयर ज़रूर करनी चाहिए। मॉर्निंग स्किन केयर होती है, फिर रात में स्किन केयर होती है, और जो स्किन केयर के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं वो डेली आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले आपको स्किन केयर करने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई करने से पहले, यू शुड नो योर स्किन टाइप कि आपकी स्किन टाइप क्या है, वो ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, एक्नी प्रॉन स्किन है या एक्टिव एक्नी है। सबसे पहले आप कैसे अपनी स्किन टाइप चेक कर सकते हैं, आपने क्या करना है, मॉर्निंग में या किसी भी डे टाइम में अपना फेस वॉश जो है उससे फेस वॉश करना है। ये एक बेसिक सा स्किन टेस्ट है जो कि आपको बताएगा कि आपकी स्किन टाइप किस वक्त है, और स्किन टाइप जो है डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट एक्ट कर रही होती है। समटाइम ऑयली होती है, समटाइम कॉम्बिनेशन होती है, समटाइम बिल्कुल अच्छी फ्लॉलेस स्किन होती है आपकी, और समटाइम्स जो है आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा वेयर ड्राई भी होती है। तो आप अपनी स्किन टाइप जो है घर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा स्टेप बताऊंगी। आपने क्या करना है, फेस वॉश करना है और उसको बिल्कुल आपने डैम्प छोड़ देना है, कोई भी चीज़ नहीं अप्लाई करनी ड्राई होने के लिए, एयर ड्राई होने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी जो स्किन है बिल्कुल ड्राई हो जाए, फेस ड्राई हो जाए, आप अगर फील करें कि आपकी स्किन, अगर आपकी ओवरऑल स्किन पे जो है ड्राई पैचेस बन रहे हैं, इट्स मीन के जो है आपकी स्किन ड्राई है, लाइक चीक्स पे, फोरहेड पे, एवरीवेयर यू आर फीलिंग कि आपकी स्किन खिंची खिंची है और टाइट सी फील हो रही है और ड्राई वाइट कलर के पैचेस बन रहे हैं, इट्स मीन योर स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है। तो आपकी स्किन केयर जो रूटीन है वो सारी अकॉर्डिंग टू ड्राई स्किन टाइप होगी। और अगर आपकी जो स्किन टाइप है लेस ऑयली फील हो रही है, कहीं कहीं आपको ऑयल फील हो रहा है, कहीं पर हल्का सा ड्राइनेस फील हो रही है, इट्स मीन कि योर स्किन जो है कॉम्बिनेशन स्किन है। तो आपको कॉम्बिनेशन स्किन जो है उसकी टेक केयर करनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्किन केयर रूटीन सेट करनी होगी। और आपके जो पूरे ओवरऑल फेस पे जो है ऑयल आ जाता है फेस वॉश करने के 30 मिनट्स के बाद, तो इट्स मीन कि आपकी स्किन जो है ऑयली स्किन है, और आपकी स्किन अगर शाइन करी है, इट्स मीन योर स्किन स्किन इज ऑयली। तो आपको अपनी रूटीन उस हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। स्किन केयर रूटीन का स्टेप नंबर 1 है, दैट इज क्लिनजिंग। क्लिनजर आपने वो यूज़ करना है जिसको यूज़ करने के बाद जो है आपकी स्किन जो है वो खिंची खिंची और टाइट फील ना और ड्राइनेस फील ना हो, आपकी स्किन पे पैचेस ना बने। सो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है सेरावी के क्लिनजर्स हैं। अगर आप कोई और यूज़ करते हैं तो यू कैन यूज़ इट। मैं जो यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ सेरावी क्रीम टू फॉर्म, जो उनका क्लिनजर आता है वो यूज़ कर रही हूँ। इट्स बिट एक्सपेंसिव, अगर आपकी
जो है रिजनेबल कोई लेना चाहते हैं तो उसमें फिर बहुत सारे क्लिनजर्स की रेंज है इफ़ यू वॉन्ट टू नो, क्योंकि उस पर वो पूरी एक स्पेसिफिक टॉपिक है तो उस पर पूरी वीडियो उसी पर गुजर जाएगी अगर मैंने स्पेसिफिक क्लिनजर्स पर बात। उसके बाद आ जाते हैं ये सीरम की बानी। वंस आपने फेस वॉश कर लिया, मैं फेस वॉश करने की बात क्या करती हूँ, हाइड्रेटिंग जो है हाइड्रेशन के लिए सबसे पहले मिस्ट अप्लाई करती हूँ, दैट इज़ बेस्ट रोज़ वाटर अप्लाई एक स्प्रे बॉटल में रखने एंड यू कैन अप्लाई इट आफ्टर फेस वॉश। आपने जब आपका फेस हल्का सा ड्राई है जस्ट अप्लाई हा दो तीन जो है ना उसके पंप लेके आप फेस पे अप्लाई कर लें, ठीक है, उसको ड्राई होने दें। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सीरम का। सीरम में विटामिन सी विटामिन ई ये जो है बेसिक सीरम्स हैं जो कि यूज़ करते हैं, लेकिन विटामिन सी हर किसी को सूट नहीं करता। उसका ऑल्टरनेट जो आजकल आ रहा है मार्केट में दैट इज़ पेप्टिडाइड्स। फेस वॉश कर लिया, आपने मिस्ट अप्लाई कर लिया, उसके बाद सीरम अप्लाई कर लिया, नेक्स्ट बारी आ जाती है मॉइस्चराइजर की। मॉइस्चराइजर जो है कुछ ऑयल बेस्ड होते हैं, कुछ थिक होते हैं, कुछ लाइट वेट मॉइस्चराइजर होते हैं, तो ये आपने अपने स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करना होता है कि आपने कौन सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। मॉर्निंग जो AM रूटीन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, रात की जो स्किन केयर रूटीन होती है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप जो बेसिक स्किन केयर में 4 स्टेप्स में आता है दैट इज़ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो है आप ये 2 फिंगर जो है फुल इतनी जो है अप्लाई कर सकते हैं। पूरी आपने सनस्क्रीन ली, अपने जो है इधर दोनों फिंगर्स पे अप्लाई की एंड जस्ट अप्लाई ऑल ओवर द फेस, और सिर्फ फेस पे अप्लाई नहीं करनी, अप्लाई इट ऑन योर नेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्किन केयर के जो कि मैंने आपको बताए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि रेसिपीज भी है ऑलरेडी बहुत। तो अभी हो चुका है यहाँ पे शाम का टाइम और मैं आ गई थी किचन में अफ्तारी प्रिपेयर करने के लिए, फाइनल हर चीज़ को टच देने के लिए और मैक्रोनी बनाने के लिए। और उससे पहले मैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बिना आज के अनाउंस कर दूँ, फर्स्ट विनर इज आमना मुनीर। आप मुझे प्लीज़ अपना जो है एड्रेस डिटेल जो है सारी इनबॉक्स कर दें इंस्टाग्राम पर ताकि आपका गिफ्ट जो है डिस्पैच हो सके। एंड सेकेंड विनर इज़ अलीशा शेख, आप भी मुझे अपनी डिटेल्स इनबॉक्स कर दें इंस्टाग्राम पे ताकि आपके जो है जल्द से जल्द मैं गिफ्ट जो है डिस्पैच पर कर सकूं। और नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वेट कीजिए, मैं जल्द जो है नेक्स्ट वे अनाउंस करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी मैक्रोनी की रेसिपी। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप जो है ऑयल लिया है और एक जो पूरा गार्लिक की जो पोटली आती है उसको लेके बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। उसको हल्का सा मैंने ऑयल में सौते किया है, इतना आपने सौते करना है कि उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ जाए। आपको इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जलने नहीं देना, बिल्कुल धीमी आँच पर आपने इसको बस थोड़ा सा सौते करना है ताकि इसमें से खुशबू आने लगे। एज़ सून एज़ गार्लिक की जो स्मेल आए आपने इसमें बिल्कुल जो है चॉप जूनियन कट किया हुआ मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, आप किसी भी फॉर्म में कट करके बोनलेस चिकन इसमें ऐड कर दें। 1/2 kg यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया था और इसको आपने इसको इतना कुक करना है कि जो चिकन का पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि ये जो चिकन का पानी रिलीज़ होता है इसकी वजह से अगर ये आप ड्राई नहीं करेंगे तो चिकन में हल्की सी वो स्मेल आती है अजीब सी ना चिकन की। सो आपने मेक श्योर कि ये पानी सारा ड्राई कर लें और आपका जो चिकन का कलर है स्लाइटली चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है कैरेट 2 कैरेट लेके उनको चॉप करके रखा हुआ था, आप जूलियन कट कर लें क्यूब्स की फॉर्म में कर लें और कोशिश क्या करें जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट कट करें वो एक ही फॉर्म में हो ताकि आपकी जो डिश है उसकी लुक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेबल लगे। उसके बाद मैं इसमें एक जो है कैप्सिकम क्यूब्स की फॉर्म में कट की हुई वो ऐड करूँगी, साथ में जो है एक मीडियम साइज़ की अनियन ली है उसको ऐड करूँगी और बस आपने वेजिटेबल्स को हल्का सा सौते करना है। कैरेट थोड़ा गलने में जो है टाइम लेगी, उसको सबसे पहले मैंने ऐड किया और उसको 2 से 3 मिनट दिए हल्का सा जो है सॉफ्ट होने के लिए। उसके बाद मैंने कैप्सिकम ऐड किया और इसमें अनियन ऐड किया और आपने वेजिटेबल्स को कोशिश करें क्रंची रखनी है, ओवर कुक मत कीजिएगा अदरवाइज वेजिटेबल्स की जो क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें मैं डालूँगी सारी की सारी सीजनिंग। सीजनिंग्स में यहाँ पर डाल जा रहा है इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 ही टेबल स्पून जो है फ्रेश क्रश की हुई ब्लैक पेपर, इन दोनों चीज़ों को डालूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें अभी और भी स्पाइसेस जाने हैं, मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। ओके, तो ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के मैंने इसको 30 सेकंड्स के लिए अगेन भूना था। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है चीनी के डाले हैं और साथ में 1/2 कप जो है चिली गार्लिक सॉल्ट का और 1/2 कप ही केचप का, टोमेटो केचप जो नॉर्मल होता है वो डाला और उसको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लिया। 1-2 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो आपका जो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हो जाए और एंड में मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर लिया दैट सेट। और इसको मैं हल्की हीट पर 5 से 10 मिनट्स के लिए दम होने रख दूंगी ताकि तमाम के तमाम स्पाइसेस जो है आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाए। हम सारे के पौधों की आज कुछ खिदमत विदमत करने में लगे हुए हैं। अगर ऐसे नहीं दो बच्चे वो पास रख के वरना मिट्टी निकलती है और सारी मिट्टी फैल जाएगी। बिल्कुल ड्राई हो गए थे, प्यासे हो गए थे मेरे पौधे ना। अभी इधर की धुलाई शुलाई भी होनी है, सारी सफाइयाँ होनी है। क्रिकेट खेल चुके हैं अजान साहब, क्रिकेट का सेशन लगा चुके हैं। ये दीज आर माई प्लांट्स। ये अंगूर की बेल भी काफ़ी बड़ी होगी और इसको क्लोजली देखें तो इसके ऊपर ना ये यहाँ बूर भी आ गया है।
इंशाल्लाह घर के फूल भी खाएंगे इस साल हम। या ये लेमन लगे हुए हैं दो तरसे हुए, ये इधर हसान साहब के पास से मैं घूम फिर के अंदर आ गई थी दोबारा, और अपना जो है बाकी के काम अफ्तारी की प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पे मैंने पामेजन जो चिकन क्रिस्पी चिकन है उसको प्रिपेयर करना था, उसको कुक करना था। उसके लिए मैंने बस एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है 3 to 4 टेबल स्पून। आप इसको जो है अवन में भी बेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी इसको कुक कर सकते हैं। मेरे पास एयर फ्रायर नहीं है, अवन में मैंने इसको बेक नहीं करना था, सो मैं अभी चूल्हे पे ही काम चला रही हूँ। मैंने इसको बस पैन में ऑयल डाला है और एक साइड से मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया। आपने एकदम से इसकी साइड फ्लिप नहीं करनी, डाल के रख के चूल्हे पर आपने इसको कुक होने देना है एक साइड से 4-5 to 10 मिनट्स, ताकि एक साइड से कुक हो जाए अच्छी तरह। फिर आपने इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी कुक करना है, और आपने इसको बिल्कुल लो टेम्परेचर पे कुक करना है ताकि आपकी जो चिकन है वो प्रॉपरली अंदर तक गल जाए। और साथ में यहाँ पे हमारे फेवरेट आइटम है, देखिए मैंने कहा था आपके हर बंदे की मैं एक बंदे की अलग अलग रेसिपी हर बंदे की पसंद से बना रही हूँ आज ना, ताकि हर आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश, सबको खुश करने वाला खाना आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हमारे के लिए वाइट बीन्स है, किडनी बीन्स होते हैं वाइट कलर वाले, उनको प्रिपेयर कर रही हूँ। उनको प्रिपेयर करने के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, उसमें जीरा डाला है वाइट कलर स्पून, हल्का सा उसको कड़करा देना है, हल्की सी अच्छा सा अरोमा आने लगे जीरे का। उसमें मैंने जो है वाइट बॉयल की हुई किडनी बीन्स डाली है, साथ में 1 टेबल स्पून उसमें खटाई पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें जो है रेड चिली पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, क्योंकि बॉयल करते हुए भी जब मैंने किडनी बीन्स बॉयल किए थे उस पर भी सॉल्ट ऐड किया था, तो अपने हिसाब से आप जो है सॉल्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो बस यहाँ पे ये चीज़ें प्रिपेयर हो गई। साथ में मैंने क्योंकि नेबर्स में भी अफ्तारी भेजनी थी, तो मैंने रेडीमेड समोसे ला के रखे हुए थे मार्केट से। F6 में बंगाली समोसे मिलते हैं जो इस्लामाबाद में, दे मस्ट बी नोइंग के सबसे बेस्ट समोसे होते हैं बंगाली के, तो मैं ला के फ्रीज कर लेती हूँ रमज़ान में, या ऑन एंड ऑफ चाय के लिए भी मुझे चाहिए हो, कोई गेस्ट आ जाए इंस्टेंट तो वो मेरे घर में अवेलेबल होते हैं, तो वो मैंने फ्राई किए, रोल्स फ्राई किए, एंड दैट्स इट, हमारी यहाँ पे इफ्तारी तैयार हो गई। नेबर्स के लिए मैंने ऑलरेडी जब मैं प्रिपेयर करी थी हर एक के लिए अलग अलग जो है वो बाउल प्रिपेयर कर दिए थे, तो वो मैं नेबर्स में भेजूंगी। और यहाँ पर मेरी इफ्तारी हो गई डन, आई एम डन विद द इफ्तारी। विनर्स आपको मिल चुके हैं, अपना जो है एड्रेस एज सून एज मुझे इनबॉक्स करेंगे तो आपके जो है प्राइजेस वो डिस्पैच हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे के ऐसे गिव अवेज ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे। तो मेरा अफ्तार टेबल यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है, अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपना अपने घर वालों का, एंड आखिरी अशिया शुरू हो रहा है रमज़ान का, तो उसके लिए भरपूर तैयारी करें रात में क़याम करने की, और अल्लाह ताला की इबादत करने की, तलावत कुरान पाक करने का प्रॉपर अहतमाम करें, ताकि आखिरी ये जो 10 रोज़े रह गए हैं अल्लाह जाने के नेक्स्ट रमज़ान हमें नसीब होगा कि नहीं, उससे हम आखिरी 10 रोज़ों में भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हम सब को जो है सिरात-ए-मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और जो इस दफ़ा रह गए हैं विनर्स जिनको गिफ्ट्स नहीं मिले, गिफ्ट्स नहीं मिले, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। मुझसे बने रहिए, कॉन्टेस्ट में अप्लाई करते रहिए, यू विल विन समडे इंशाल्लाह। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।